हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स योर क्वेश्चन. सो क्वेश्चन इज द एंजाइम पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज ऑफ प्रोकैरियोट्स रिसाइड्स इन. पूछा गया है कि पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जो है वो प्रोकैरियोट में कहाँ रिसाइड करता है, 50S, 30S, 40S, 60S. तो हमें पता है कि प्रोकैरियोट्स जो है इनमें जो राइबोसोम होता है वो कौन सा होता है, 70S राइबोसोम, जिसमें ये दो सब यूनिट से जो बना है उसमें जो लार्जर वाला है वो कौन सा, 50S, एंड ये स्मॉलर वाला कौन सा है, 30S. इसमें जो आर आर एन ए होते हैं उनमें से एक आर आर एन ए कौन सा है, 23S आर आर एन ए, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ये जो 23S आर आर एन ए है ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की तरह भी एक्ट करेगा एंड यहाँ पे कैटालिटिक एक्शन भी शो करता है. तो ये एक्ट करता है किसकी तरह, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, ट्रांसफरेज की तरह. तो ये कर क्या रहा है, ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है. पेप्टाइड क्या कैटलाइज करता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन. सो ट्रांसलेशन में जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसमें जब जो पॉलीपेप्टाइड चेन का सिंथेसिस होता है वहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो कौन कैटलाइज करता है, ये कर रहा है. तो ये कहाँ रिसाइड कर रहा है, 50S में कर रहा है. सो करेक्ट आंसर वुड बी दिस फर्स्ट वन, दैट इज ए, 50S. 30S में नहीं, नहीं 40S, नहीं 60S. करेक्ट आंसर वुड बी दिस फर्स्ट वन, दैट इज ए. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.